किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले राहुल गांधी, कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। किसान कानून पर राहुल गांधी की दो टूक, कहा किसान कानून को हटाना ही होगा। किसान के समर्थन में मार्च करने पर अड़ी प्रियंका गांधी की हिरासत के बाद रिहाई। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठी थी प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी को नहीं मिली मार्च की इजाजत, राष्ट्रपति भवन तक करना था मार्च, दिल्ली पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगे होने का दिया हवाला। मार्च से पहले राहुल का ट्वीट, भारत के किसान कृषि विरोधी कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा। किसान संगठन BKU लोक शक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कृषि कानूनों के खिलाफ याचिका, याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। आज 29वें दिन भी आंदोलन पर डटे हैं किसान, सरकार के प्रस्ताव को सिरे से किया खारिज, सरकार को दी आग से नहीं खेलने की चेतावनी। आंदोलन के जवाब में मोदी सरकार का काउंटर प्लान, अटल जयंती पर किसान चौपाल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, 9000 किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। विश्व भारती के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी का संबोधन, आजादी की लड़ाई में बंगाल के योगदान की जमकर सराहना, पीएम मोदी ने नए भारत के निर्माण में नए बंगाल की भूमिका पर दिया जोर। दिल्ली में कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर केजरीवाल की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के साथ मीटिंग, कोरोना वैक्सीन को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, पहले फेज में 51 लाख लोगों को मिलेगी वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 नए मामले, 1,99,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।